शिवपुरी के अपर सत्र न्यायालय ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई। यहां तकरीबन एक साल पहले 13 वर्ष की नाबालिग से बलात्कार का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने पास्को एक्ट के तहत कार्यवाही की और अभियोजन पक्ष ने आरोपी धर्मेंद्र आदिवासी को सजा दिलाने के लिए तमाम दलीलें पेश की और आखिरकार अदालत ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई। बताया जाता है कि आरोपी भुजिया खिलाने के बहाने बच्ची को बहला फुसला कर ले गया था और उसके रेप की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं परिजनों ने भी आरोपी के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया था। बावजूद इसके अदालत ने DNA रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी माना है। शिवपुरी से देवेश सेन की रिपोर्ट। सर, आज पास्को एक्ट के मामले में सजा सुनाई गई है, क्या है वो पूरा मामला? ये एक साल पहले करीब एक धर्मेंद्र आदिवासी करके है, जो एक 12-13 साल की बच्ची को गुजिया खिलाने की कहकर ले गया था। वो अपने घर के बाहर खेल रही थी और वहाँ एक तरफ जंगल में ले जाकर उसके साथ जो है ना उसकी पजामी उतार कर बहुत ब्रूटली उसके साथ रेप किया गया था और वापस उसको वहाँ घर छोड़ गया और भाग गया था। तब उसकी माँ उसको जो है अस्पताल, जिला अस्पताल लेकर आई थी। वहाँ पुलिस को इन्फॉर्म किया डॉक्टर ने और पुलिस के आने के पश्चात वहाँ उसका जो है पूरा डॉक्टरी हुई, उसका मेडिकल हुआ, उसके DNA के लिए सैंपल बनाई गई और तत्पश्चात जो है उसकी आरोपी का ब्लड वगैरह लेकर उसको भेजा गया था। तब उसमें जो है उसको उसका जो चालान जो है न्यायालय यहाँ श्रीमती सिद्धि मिश्रा EDJ सेकंड के यहाँ पेश किया गया, जिसकी वहाँ पर ट्रायल चली थी। इस प्रकरण में एक महत्वपूर्ण बात ये रही कि इस प्रकरण में पीड़िता, उसके माँ बाप, किसी ने भी अभियान कहानी का समर्थन नहीं किया। ये वर्तमान में एक वैज्ञानिक साक्ष्य का एक बहुत अच्छी प्रकरण है, जिसमें जो है DNA के आधार पर न्यायालय द्वारा उस प्रकरण को पूरी तरह सिद्ध माना गया, उसकी परिस्थितियाँ को के आधार पर प्रकरण को सिद्ध माना गया और आजीवन कारावास की सजा और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। ये पॉक्सो एक्ट में और 376 दोनों प्रकरणों में ये सजा सुनाई गई है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।